नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में प्योर लाइन थ्योरी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बार प्योर लाइन थ्योरी के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ट्वेल्थ में आता है या फिर BSc एग्रीकल्चर में बहुत बार क्वेश्चन साइंस में ये पूछा जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो प्योर लाइन का डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट, यानी कि ये होमोजाइगस प्लांट प्रोजेनी होती है और सेल्फ पॉलिनेशन के कारण ये तैयार होती है। प्योर लाइन थ्योरी जो है 1903 में जॉनसन ने सबसे पहली दी, और जॉनसन ने प्योर लाइन थ्योरी जो है यह बीन्स में, जिसे हम राजमा बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है फैसुलस वर्गरिस, और इस बीन्स के प्रिंसेस वराइटी में सीड के साइज का स्टडी करके क्या किया, प्योर लाइन थ्योरी दिया। और उसने क्या किया, मार्केट से प्रिंसेस वैरायटी के बीज खरीदे और उसने ये पाया कि उसमें कुछ सीड जो है वो छोटे हैं और कुछ सीड्स जो बड़े हैं, और उसने क्या किया, अलग अलग साइज़ के सीड्स उसने सेलेक्ट करके उसको इंडिविजुअली ग्रो किया। और जब उसने उसको इंडिविजुअली ग्रो किया, तब वो जो साइज़ था, किसी का 200 मिलीग्राम था, किसी का 300 मिलीग्राम था, किसी का 400 ग्राम था, किसी का 500, 600, 700, 800, ऐसे उसने 19 ग्रुप्स किए और हर प्रोजेनी को उसने इंडिविजुअली लगा के उनका परफॉर्मेंस चेक किया। तो उनके जब आने वाली प्रोजेनी जब उसको देख उसने देखा तब उसने यहाँ कंक्लूजन दिया कि ये जो प्योर लाइन थ्योरी है, इसमें इसका कंक्लूजन, दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है, प्रिंसेस वैरायटी उसने खरीदी थी उसमें बहुत सारे क्या थे, प्योर लाइंस का मिक्सचर था। इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे 19 प्योर लाइंस मिक्स थी, और प्योर लाइंस के बीच में बाद में जो वेरिएशन आया, इसका मतलब 200 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम जब इंडिविजुअली ग्रो किया उसमें जो वेरिएशन आया बाद में थोड़ा बहुत, वो बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट था। तो इसका मतलब प्योर लाइन हो, नेचुरली प्योर होती है, होमोजाइगस होती है।